राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बुधवार को प्रदेश के 14 जिलों के 17 शहरों में 4,500 से ज्यादा फ्लैट विलास के लिए कई आवासीय और एक व्यवसायिक योजना लॉन्च की। इस दौरान शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी थीम हमारा प्रयास सबको आवास को मजबूत करते हुए महत्वपूर्ण आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया है। सरकार की मंशा है कि आमजन को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त आवास मिल सके। दिल्ली उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजमेर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला के कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। इस अवसर पर आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा की तानाशाही का अंत होने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि भाजपा ने देश को नया शिक्षा मॉडल देने वाले एक ईमानदार व्यक्ति को फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार करवाया है, जो देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशहूर उद्योगपति अडानी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले और देश की जनता को लूटने वाले अडानी को बचाने का काम मोदी कर रहे हैं, लेकिन लाखों बच्चों को शिक्षा देने का काम करने वाले मनीष सिसोदिया को जेल में डाला जा रहा है। टोंक जिले से होकर गुजरने वाले जयपुर कोटा राजमार्ग पर सोमवार रात सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को चीख पुकार सुनकर लोग दौड़ कर आए तथा पुलिस को सूचना दी। बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC निवाई लेकर आए। बरौनी थाना अधिकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 12 बजे हाईवे स्थित बरथल तिराहे पर सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था। इसी दौरान जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह ट्रक पीछे से साइड में खड़े ट्रक में जा घुसा। इससे ट्रक की केबिन में बैठे 6 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के बूंदी जिले में एक शिक्षक ने छात्र को छड़ी से बुरी तरह पीटा। छात्र की पीठ पर मारपीट और चोट के निशान है। छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह एक दिन स्कूल नहीं आया था। इसी बात पर शिक्षक ने छात्र की बुरी तरह पिटाई कर दी। छात्र और उसके परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार घटना शहर के देई कस्बे से सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। यहाँ चिता की झोपड़िया गांव के रहने वाले 7वीं कक्षा के छात्र बंटी बंजारा और 8वीं कक्षा के छात्र नरेंद्र बंजारा मंगलवार सुबह स्कूल पहुंचे थे, जहां स्कूल टीचर कल्याण मीणा ने दोनों को स्कूल नहीं आने पर पीटना शुरू कर दिया। कोटा के टिप्टा में स्थित राव माधो सिंह म्यूजियम में चोरी हो गई। चोरी के FIR के मुताबिक म्यूजियम से सोने और चांदी के 30 आइटम्स चोरी किए गए हैं। ये जानकारी राव माधो सिंह म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा करवाई FIR के अनुसार मिली है। पुरागढ़ पहले CCTV सर्विलांस पर होने के बावजूद चोर चोरी करने में कामयाब हो गए। राज परिवार और राव माधो सिंह म्यूजियम ट्रस्ट से जुड़े लोग चोरी के मुद्दे पर किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। साथ ही कैथुनीपोल थाना पुलिस भी इस मसले पर मीडिया से बात करने से कतराती नजर आ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।